कैसा लगा? अच्छा खा के देखते हैं। बेल्जियन वॉफल तो एकदम बढ़िया था, मीठा मीठा सा था, बेल्जियन चॉकलेट का था पर अच्छा था। और अभी हम लोग बर्गर किंग में आए थे और दीदी को बहुत डाउट हुआ कि वेज चिकन निगेट्स खाने की नहीं, तो उन्होंने नहीं खाया है, उन्होंने आलू वाले फ्रेंच फ्राइज से काम चला लिया। हाँ बट अच्छा एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है। रॉयल घोड़ा गाड़ी यहाँ पे सेंटर में ही बहुत देर टाइम पास हो जाता है कुछ करने में, खाने पीने में, फ़ोटोज़ वगैरह निकालने में। और आज तो मेरी बढ़िया फैमिली जैसी ट्रिप हो गई, इतने सारे लोग मिल गए तो मज़ा आ गया। अब आई थिंक हम लोग वापस घर चलेंगे क्योंकि ड्राइव है 2 घंटे का, बट देखते हैं, पता नहीं। आई एम तो रेडी विद एनीथिंग, देखते हैं। वाह एक कांड हो गया इधर, गाड़ी हमने एक गाड़ी जो थी वो ऐसे लगाई थी क्योंकि वहाँ तो काम चल रहा है, कोई ज़्यादा वो नहीं। और उसका टिकट भी लिया था प्रॉपर, लेकिन पता नहीं उठा के ले गए और ना कहाँ कोई नंबर है ना कुछ है। तो देखते हैं, ढूंढते हैं, पुलिस स्टेशन में कॉल करके बात करते हैं कि गाड़ी कहाँ लेके चले गए। सिटी के बाहर वाली है ना, हाँ यहाँ पे बहुत सब बसेस वगैरह भी यहीं खड़ी हुई हैं इधर ही, पर ये बहुत दूर है ना फिर सिटी सेंटर तक चल के जाओ। बहुत टाइम बाद प्याज लहसुन के तड़के का स्मेल ले रहा हूँ मैं और बढ़िया लग रहा है अभी से। और कार का वो नाटक भी इन लोगों ने सॉल्व किया, 300 यूरोस, बाप रे, मतलब बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगा मेरे को तो, क्योंकि गाड़ी एकदम अंदर खड़ी थी। उनका यही आर्ग्यूमेंट था कि आपकी गाड़ी दूसरों के लिए ऑब्स्टिकल थी, जो कि मेरे को तो बिल्कुल लगा नहीं। फॉरेन कंट्री के ये सब डिसएडवांटेजेस तो होते हैं, बट ठीक है। तो आज मैं निकला हूँ एंटवर्प में, एंटवर्प की गलियों को नापने, जो कि संडे होने की वजह से बहुत खाली दिख रही है मेरे को, लिटरली बस 3 लोग दिख रहे हैं। तो अभी मैं सेंट्रल स्टेशन के पास हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ का पोर्ट जाऊँगा जो रॉटरडैम के बाद यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है, बेसिकली सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है यूरोप का। और फिर मैं डायमंड मार्केट देखूँगा क्योंकि दुनिया का 70% डायमंड्स का ट्रेड बेल्जियम से ही होता है, तो अगर आपके पास डायमंड है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो बेल्जियम में ट्रेड हुआ होगा। उसके अलावा पोर्ट में मैं ये भी देखूँगा कि क्रूज़ के लिए कुछ अवेलेबल है कि नहीं। मैं ग्रोथ मार्केट जाऊंगा, मैं यहाँ का मेन कैथीड्रल विज़िट करूंगा और आई थिंक इतना सब करने में, ये भी मेरे को बहुत एम्बिशियस लग रहा है बट हाँ ये सब मेरा करने का इरादा तो है। तो यहाँ पे है डायमंड मार्केट, आधी दुकानें तो मेरे को बंद दिख रही है और लोग भी नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं यार, अपन इंडियन है इसलिए मेरे को ऐसा लगता है जब तक भीड़ ना हो ना तब तक मज़ा ही नहीं आता है। और ये सेंट्रल स्टेशन है यहाँ पे, सेंट्रल स्टेशन यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत अमेजिंग है, वो मैं बाद में कवर करूँगा कि कैसा है। ये भी पूरा डायमंड स्ट्रीट है, यहाँ पे देख सकते हैं KNF गोल्ड, एलिजाबेथ डायमंड्स ज्वेलरी, डायमंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे डायमंड्स हैं, सबका प्राइस लिखा हुआ है कितने कितने के हैं। अरे पापरी, बढ़िया। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये 1. क्या क्या प्राइस लिखा है, ये 3.99, अच्छा मतलब 3000 के हैं आई गेस, हाँ उससे कम के तो होंगे नहीं। बहुत सारे शॉप्स हैं यार और बहुत फैंसी अंगूठियाँ वगैरह हैं, अपने ऑब्वियसली औकात के बाहर है, छोड़ देते हैं। यहाँ पे हर जगह ये भी लिखा है कि दे बाय ऑल काइंड्स ऑफ गोल्ड एंड एवरीथिंग, और रूबी, सफायर, एमरल्ड, जो ये वाले प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ये सब भी है। तो बीच में घड़ी वड़ी की भी दुकान है, काफ़ी कुछ है, देख सकते हैं आपकी कितने बढ़िया बढ़िया नेकलेस हैं। ये तो यूरोपियंस के लिए है भाई, 3000-4000 यूरो, पता नहीं कुछ कुछ ऐसे टाइप के प्राइसेस लिखे हैं।
नाइस बट गुड टू नो, यहाँ का डायमंड मार्केट देख के तो मज़ा आया, शॉप्स वगैरह। तो अभी फ़िलहाल मैं पोर्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ और रास्ते में ही मुझे मिल गया था, अरे यहाँ पे देखो मारुति सुजुकी की स्विफ्ट भी है, सबसे जानी पहचानी गाड़ी है जो अपनी। बाकी तो सब पता नहीं क्या क्या अलग अलग मॉडल्स हैं यहाँ पे। मैंने कल ऑल्टो भी देखी थी वैसे, हाईवे पे ऑल्टो भी थी। ये लग रही है थोड़ी बिजी स्ट्रीट। और हाँ ये देखो, ये रहा सेंट्रल स्टेशन, लग रहा है ना एकदम बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से इसको बनाया है, बहुत मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसका, अमेजिंग। यहाँ पे मेरे को ऑपोजिट में जाना पड़ेगा वो विज़िट करने के लिए, इसलिए पहले मैं पोर्ट पे चले जाता हूँ। ये थोड़ी स्ट्रीट फिर भी बिजी दिख रही है, यहाँ पे लोग वोग दिख रहे हैं। ओ पिज़्ज़ा हट है यहाँ पे, नाइस। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अपन अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ की और बढ़िया बिल्डिंग्स देख लो और बढ़िया आर्किटेक्चर देख लो। ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, आप बीच शहर में ऐसे घूम सकते हो, ये कम पॉपुलेशन होने का फ़ायदा है और लोग घूमते फिरते रहते हैं, शॉपिंग के लिए निकलते हैं। और एक और बहुत अच्छी बात ये है कि आज धूप निकली हुई है, क्योंकि यहाँ का वेदर भी एम्स्टर्डम जैसा ही है, एम्स्टर्डम जैसे यहाँ पर भी गीला गीला रहता है बट कम सनी डेज होते हैं, तो किस्मत अच्छी है मेरी। तो ये यहाँ पे पर्सनल यॉट्स यहाँ पे पार्क हुई है, बहुत बढ़िया लग रही है, एकदम लग्जूरियस। मेरे को पता नहीं यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि क्रूज़ कहाँ कहाँ होता है, कौन ऑफर करता है, मेरे को उतना ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं इंटरनेट पे, तो मैं यहीं लिख के ढूंढने वाला हूँ क्या है ये पोर्ट ऑफ एंटवर्प, यहाँ पे कुछ तो है, इनके अंदर जाके देखती हूँ कि कैसे क्या है। और वेदर तो बहुत बढ़िया है और क्रूज़ करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, देखते हैं।